पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गहोई वैश्य महिला संगठन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद द्वारा महानगर मुरादाबाद में स्थित शिव मंदिर प्रगति विहार लाइन पार में तीज उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्नेहा गुप्ता रही और विशिष्ट अतिथि मीनू गुप्ता रही, तो वहीं कार्यक्रम संयोजिका अनुभूति गुप्ता रही। मंच का संचालन दीपाली गुप्ता और एकता गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम संरक्षिका रमा देवी, आशा गुप्ता, कविता गुप्ता, शिखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस दौरान तीज राजकुमारी, तीज महारानी का भी चयन किया गया। सभी महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हरे रंग के परिधान में सजी धजी सभी महिलाएं नजर आईं। तीज क्वीन, तीज राजकुमारी, तीज महारानी का भी चयन हुआ। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जैसे पंचुअलिटी, लकी ड्रॉ, डांस, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, मल्हार और सरप्राइज गेम का भी आयोजन खूब किया गया। इस दौरान सभी महिलाओं ने कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। उपस्थित सभी ने बहुत ही आनंदमय के साथ तीजोत्सव का उत्सव मनाया। इस अवसर पर कहा गया कि महिलाओं के द्वारा इस तीज के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो वहीं हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन कोविड के कारण एक वर्ष का गैप करते हुए इस वर्ष इस तीजोत्सव कार्यक्रम को बड़ी ही धूमधाम और उत्सुकता के साथ मनाया गया। हमारी ब्यूटीफुल लेडीज का उनका वजन आपके हाथों में तालियां बजाते हैं। तालियां होगा घर के वर्ष में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरा नाम निशिता गुप्ता है, मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर नितिन गुप्ता है, मेरी प्यारी सी डॉटर का नाम आर्या गुप्ता है और मेरी पति है और मेरी हॉबी में मुझे डांसिंग पसंद है। थैंक यू। आज का गोही महिला मंडल की तरफ से तीज का प्रोग्राम रखा गया है, जो कोरोना काल की वजह से काफ़ी समय बाद प्रोग्राम रखा है। नियमों का ध्यान रखते हुए भी प्रोग्राम का हमने आयोजन करा है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग का नहीं रखा है और इसमें सभी वर्गों का हमने ध्यान रखते हुए प्रोग्राम रखा है, जिसमें बड़ी बहनें, हमारी छोटी बहनें और साथ की बहनों सबके लिए ही प्रोग्राम रखा है और जो नहीं पासवर्ड करते हैं उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं और सबका ऐसी ही इंजॉय हो और बहुत अच्छी तरह से सबने इंजॉय कर भी रहे हैं। और तीज क्वीन, महारानी और प्रिंसेस का भी प्रोग्राम रखा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? सब प्रोग्राम करें, अच्छे से करें, पर अपना नियमों का कोरोना काल के वो ध्यान रखते हुए जैसे हम लोगों ने करा है ऐसे करें, इंजॉय करें और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है, ये गहोई वैश्य महिला मंडल की तरफ से कार्यक्रम है तीज उत्सव कार्यक्रम, जो कि पिछले वर्ष हम नहीं करवा पाए थे। पिछले गत वर्षों से काफ़ी दिनों से कार्यक्रम चलता रहा है, पिछली बार कोरोना काल की वजह से हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार हम कम संख्या में हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें बस ये है कि सब इस त्यौहार की वजह से सब मेलजोल हो जाता है, सभी अपने सहेलियां, फ्रेंड्स सब मिल जाते हैं, इसलिए हमने तीज उत्सव का कार्यक्रम रखा है जो कि कम लोगों की संख्या में ही रखा गया है। बस यही है कि तीजों का त्यौहार है, जब जैसे ही सावन शुरू होता है एक उमंग हो जाती है कि हाँ सब सहेलियाँ मिलें और सब सहेलियों से कहूँगी एक दूसरे से प्यार की भावना बना कर रखें और कोरोना का विशेष ध्यान रखें। सभी बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार, फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार, दिल से आप सबको मुबारक हो प्यारा सा तीज का ये त्यौहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीज का मौसम आते ही, सावन का महीना आते ही मौसम में हरियाली छा जाती है, मस्ती का, प्रेम का और उत्साह महिलाओं में आ जाता है। और जैसे कि हम तीज जो मनाते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, उन्होंने, माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिया था, 108वें जन्म के बाद में उनको शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत घोर कठोर तपस्या की तो उन्हें शिव के रूप में उन्होंने पति रूप अपनी पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया, ऐसा कि ऐसा पौराणिक कथाओं में मान्यता है। और जैसे महिलाएं अपनी तीज के उपलक्ष्य में अपने श्रृंगार करती हैं और सोलह श्रृंगार करती हैं महिलाएं भी और लड़कियां भी,
अपनी लंबी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं महिलाएं, और लड़कियां अपनी वर के लिए अच्छे वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।